हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तिलक राशन 10+12 में। देखो बेटा, क्या बता रहा हूँ, सदिश बीजगणित ये कई नंबर का आप लोगों को पता है कोर्स में है, और बेटा इससे मैं चुनिंदा सवाल कराऊंगा, लेकिन इस बात की गारंटी है कि जो कराऊंगा इससे बाहर कुछ ना आएगा, यानी कि जितना भी होता है मैं 2 से 3 वीडियो में पूरा करा दूंगा, और ये कर लिया तो गारंटी दे रहा हूं कुछ भी बाहर नहीं आएगा, निश्चित आपसे सब कुछ आएगा। बस ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो बेटा लास्ट तक देखनी है, ठीक है ना? देखते हैं, आओ ज्यादा देरी ना करेंगे। देखो इस सवाल के सहारे में क्या सवाल सिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है ना? यानी कि ये सवाल आता तो गारंटी दे रहा हूं बोर्ड का निश्चित सवाल आएगा। कैसे करते हैं, क्या कह रहा है, सदिश पीक्यू के अंदर मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जबकि क्या है, जहां बिंदु पी और क्यू के निर्देशांक इतने दे रखे हैं। तो सबसे पहले जब बिंदु दे रखा हो तो उसका स्थिति सदिश यानी कि सदिश कैसे बनाओगे, देखते हैं सॉल्यूशन किस तरीके से देखेंगे। बेटा पहले क्या लिखेंगे, मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदुओं पी और क्यू के स्थिति सदिश, के स्थिति सदिश, स्थिति सदिश लिख लो आप। कैसे लिखोगे डॉक्टर बेटा, यहां ओपी लिख दो, ओ और पी, इसका क्या मतलब है, प्रारंभ बिंदु ओ है और अंतिम बिंदु क्या है, पी है, तो ओपी। अब इसके साथ आई लगा दो, इसके साथ जे और इसके साथ के, तो क्या हो गया बेटा, इसके साथ आई लगाओगे तो आई प्लस इसके साथ जे लगाओगे तो 2J और प्लस इसके साथ के लगाओगे तो 3K। इनके ऊपर कैप जरूर लगाना, कॉमा ओ क्यू निकाल लो, ओ क्यू इसका सदस्य, क्यू का करोगे तो 4i प्लस के 5j प्लस के 6k, ये आपने स्थिति सदस्य बना लिया। तब क्या निकाल लेंगे बेटा, तब हम इनका पी क्यू निकाल सकते हैं, क्या निकालोगे, पी क्यू सदस्य, पी क्यू निकालोगे तो क्या होता है, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, यानी कि इतने माइनस इतने, ये ध्यान रखना, ओ क्यू माइनस के क्या हो जाएगा, ओपी, सही है बेटा। पी क्यू ऐसे रहने दो, यहां ओ क्यू की वैल्यू रखो और माइनस यहां किसकी रखोगे, ओपी की, तो ओ क्यू की कितनी है बेटा, 4i प्लस के 5j प्लस के 6k लिख लिया, और यहां लिखेंगे i प्लस के 2j और प्लस के 3k, सही बेटा। जो होता है जोड़ घटा में वो कर लोगे, यहां 4i ऐसे ही बेटा प्लस के 5j प्लस के 6k, यहां अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस के i माइनस के 2j प्लस माइनस के 3k, ठीक है। अब पी क्यू ऐसे ही करोगे बेटा, ये 4i है और ये 1i माइनस के, तो कितने बच गए, 3i, ठीक है। अब ये 5j है, ये 2j माइनस के है, तो प्लस के कितना बचे, 3j, आ रही बात समझ में, ये 6k है और ये माइनस के 3k है, यानी कि प्लस के 3k, ये आपका सदिश का सदिश आ गया। कभी कभी ये कह देता है बिंदु ए, ऐसे ये सवाल ना होता, ए और बी बिंदुओं के स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए, तो सदिश ए और बी के स्थिति सदिश इतने कॉमा इतने हैं, तो सदिश ए भी ज्ञात करो, तो ए भी ज्ञात करोगे तो क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए, एम एन ज्ञात करोगे सदिश एम एन तो एन माइनस का ओ, ध्यान रखना ना, यहां हमेशा अगर इसी की जगह मैं ए बी कर लेता, क्या कर लेता, यहां पर ए बी, अगर ए बी होता तो हम ए बी को हम ऐसे लिखते, ओ बी माइनस का ओ ए, अगर एम एन होता, एम एन तो ओ एन माइनस के ओ एम, आ रही बात समझ में, ये ध्यान रखना, एक सवाल आपका जरूर है, चाहे ए बी का चाहे एम एन का चाहे पी क्यू का, सही है। अब ये सदिश निकाल लिया, लेकिन वो क्या कह रहे थे, सदिश पी के अनदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, मात्रक सदिश का मतलब है इसका भी मोड और निकालो, मोड का मतलब है मोड को मापांक भी बोल देते हैं, और परमाण, इसका परमाण कैसे निकालोगे, तो जब परमाण निकालोगे तो बेटा ये पी क्यू ऐसे ही ऐसे कर दो और इधर लगा दो अंडर रूट, क्या लगा दो, अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस
जेके गुणांक का वर्ग यानी कि तीन का स्क्वायर प्लस के गुणांक का वर्ग तीन का स्क्वायर, कुल मिला के मोड पी क्यू ऐसा ही अंडरूट ये हो गया 9 प्लस के 9 प्लस के 9, कुल मिला के अंडरूट मापांक जो मोड है पी क्यू ये कितना हो गया 27, कितना हो गया 27। इसके वर्गमूल के अंदर जो से निकल सकता है वो निकाल लो, कैसे 3 गुणा 3 गुणा 3, अरे 3 3 9 3 27 ये जोड़ा बन गया, तो पी क्यू कितना आ जाएगा भाई, पी क्यू आया कितना 3 निकल आया और अंडर रूट 3। अगर ऐसे कह देते पी क्यू का परिमाण ज्ञात करो तो ये क्या है, ये बेटा पी क्यू सदिश पी क्यू का परिमाण है, परिमाण या इसको ही बोल देते हैं या इसी को मापांक बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, अगर कह देते सदिश पी क्यू का क्या करो परिमाण ज्ञात करो, तो परिमाण ज्ञात करते हैं ऐसे ठीक, लेकिन वो कह रहे हैं मात्रक सदिश, इसके मात्रक सदिश, तो मात्रक सदिश क्या होता है, उस सदिश को उसी के परिमाण से यदि भाग दे दो तो क्या बन जाता है, मात्रक सदिश ज्ञात हो जाता है। अब देखो मैंने इतनी क्रिया कर दी तो अब आंसर देने की बारी आ गई, तब लिखेंगे क्या पी क्यू के अनुदिश अनुदिश मात्रक सदिश, मात्रक सदिश क्या करोगे बेटा, मैंने बताया पी क्यू उसी का सदिश लिखो और उसके परिमाण से भाग दे दो, उसके परिमाण से क्या कर दो भाग, ये आपका पी क्यू कैप आ गया, पी क्यू और कैप, कैप का मतलब होता है मात्रक सदिश उसी के दशा में ठीक, क्या करोगे आप, बिल्कुल सिंपल है भाई, अब ये वैल्यू है हम पे, इसकी वैल्यू है 3 वर्गमूल 3 और ऊपर पी क्यू कितना आया सदिश पी क्यू 3i प्लस k 3j प्लस k 3k, जो कुछ हो सकता है वो कर लो, पी क्यू ऐसे ही यहां पे ये इसके बटे में, ये इसके बटे में, तो 3i अपॉन 3 वर्गमूल 3 प्लस k 3j बटे 3 वर्गमूल 3 और प्लस के 3k और अपॉन क्या हो गया 3 वर्गमूल 3 बेटा, जो कुछ कट गया वो कट गया, जो बचा वो आंसर, 3 से 3 कैंसिल, क्या आया वर्गमूल 1 अपॉन वर्गमूल 3 और यहां पे लिख दो आई, क्या लिख दो आई प्लस 1 अपॉन वर्गमूल 3 और यहां पे जे का कैप, यहां 1 अपॉन वर्गमूल 3 और के का कैप। एक बात ध्यान रखना, इससे कुछ ना कुछ आएगा जरूर, क्योंकि इसमें काफी चीज कर रखी है, बाकी की सदस्यों का जोड़ना घटाना वैसे ही होता है, आई के आई में, जे के जे में, के के में, इस तरीके का बड़ा सवाल भी बन जाता है, हालांकि कठिन नहीं, देखो पहले इसी सवाल को अगर पूरी तरीके से समझ गए, मैंने तुम्हें बता रहा हूं गारंटी से निश्चित आपका कहीं ना कहीं सवाल मिल जाएगा। क्या कह रहा है सदस्य पी क्यू, तो मैंने बताया पहले 2 बिंदु दे सकता है वो, जैसे यहां पी और क्यू दे रखा है, इनकी जगह कोई एम एन दे सकता है, ए भी दे सकता है, तो कहेगा ए भी क्या सदस्य ए भी ज्ञात करो, समय सदस्य एम एन ज्ञात करो, यहां कह रहा है सदस्य पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदस्य ज्ञात कीजिए, हमें पता है किसी के अनुदिश मात्रक सदस्य जब ही ज्ञात कर सकते हैं जब पहले उसका उसका हमें स्थिति सदस्य पता होना चाहिए, तो पी क्यू का स्थिति सदस्य निकालने के लिए हमें क्यू का स्थिति सदस्य माइनस पी का, सही है, यानी कि हमने अभी बता रखा है पी क्यू निकालोगे तो क्यू का स्थिति सदस्य माइनस पी का स्थिति सदस्य, ठीक है ना। अब हमें पता है पहले हमने जो दे रखे हैं बिंदु उनके स्थिति सदिश बना लिए, किसके मूल बिंदु के सापेक्ष इनके स्थिति सदिश बना लिए, बना लिए ओपी बना लिया ओक्यू, अब हम जानते हैं पीक्यू का स्थिति सदिश बना सकते हैं, पीक्यू बराबर ओक्यू माइनस के ओपी, यहां वैल्यू रखी यहां भी वैल्यू रखी, जो जुड़ रहे थे जोड़ दिए, जो घट रहे थे घटा दिए, हमें पता आई आई वाले में, जे जे वाले में और के का के वाले में, इस तरीके से पी क्यू आ गया। अब इस पी क्यू का हमें स्थिति सदिश पता पड़ गया, अब इसके अनुदिश मात्रक निकाल सकते हैं। अब क्या है यहां पर दूसरा क्वेश्चन, कोई ऐसा सदिश दे देगा कहेगा इसका मापांक ज्ञात करो, इसका परिमाण ज्ञात कीजिए, तो परिमाण क्या है, अरे उसी का मॉड ले लो, मॉड का मतलब है अंडर रूट लगाओ और आई जे के गुणांकों के वर्गों का योग कर दो, जो निकल आया यही पी क्यू का परिमाण है, यानी कि जो आपसे सदिश देगा उसका परिमाण आप इस तरीके से निकाल सकते हो। बस अब हमें पता है, हमें ये ना कह रहा था, वो तो मात्रक सदिश कह रहा था, तो हमें पता है किसी भी सदिश के मात्रक सदिश निकाल सकते हो आप, कैसे, उस सदिश को उसी के परिमाण से भाग दे दो, उस सदिश को उसी के परिमाण से क्या कह देंगे भाग, तो बस
अब आंसर दे दो, पी क्यू के अंदर मात्रक सदस्य का मतलब है पी क्यू सदस्य को उसके परिमाण से हमने क्या कर दी भाग, और जो दे दिया जो यहां आया वही क्या आ गया आंसर। गारंटी दे रहा हूं इससे आएगा जरूर, चाहे कुछ भी आए। देखते हैं बेटा, दो तीन छोटे छोटे सवाल और हैं इससे संबंधित, वो कराता हूं। देखो देखो बेटा सवाल देखो, वो कह रहे हैं सदस्य इतने के अंश मात्रक सदस्य ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन कैसे करेंगे बेटा, ए दे रखा है आपको, ए बराबर कितना है आई प्लस के जे और प्लस के क्या है टू के, ठीक है ना। अब इसका अंश मात्रक सदस्य तब हमें पता है, इसका परिमाण निकाल लो यानी कि मोड़े निकाल लो, मोड़े अंडर रूट कितना हो जाएगा, मैंने बताया वन का स्क्वायर, यहां गुणांक यहां भी वन है इसका स्क्वायर प्लस ये वाले टू का स्क्वायर, कुल मिलाकर मोड ही बराबर यानी कि इस सदस्य का परिमाण जो है एक एकण एक, एक यहां भी एक और यहां इसका स्क्वायर करोगे तो यहां कितना जाएगा चार, तो मोड ही बराबर क्या आ गया कुल मिलाकर अनुरूप छह हो गया, कितना हो गया छह। बस तब लेंगे तब क्या है ए के अंदेश अनुदेश मात्रक सदस्य, मात्रक सदस्य मैंने सिंपल बता रखा है, कुछ ना करना है आपको, उस सदस्य को लिखना है और उसके परिमाण से भाग दे दो, उसका परिमाण यही तो है, कुल मिला के ऊपर क्या है आई प्लस का जे और प्लस के टू के ऐसे दोगे, और इसका परिमाण कितना आया वर्गमूल छह, चाहो तो अलग अलग लिख दो वन अपॉन वर्गमूल छह और यहां पे आई लिख दो प्लस वन अपॉन वर्गमूल छह और क्या हो जाएगा जे प्लस यहां पर आ जाएगा टू अपॉन वर्गमूल सिक्स, यहां पर क्या है ये हो गया और यही क्या आ गया आंसर। बस इकाई सदस्य निकालने के लिए उसके उसी सदस्य को उसके परिमाण से भाग दे दो, परिमाण आप निकालना जानते हो। अब देखो थोड़ा सा बढ़ा देता है, यहां मैंने तो ए प्लस भी रखा है, कभी यहां गुणा भी कर देता है गुणा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी के भी अंश मात्रक सदस्य निकलवा लो, पहले उसका सदस्य बनाऊंगा जो भी जोड़ घटा के जैसे भी बनेगा। जैसे यहां देख रहे हैं सदस्य ए बराबर इतना और बी बराबर के लिए सदस्य इतने के अंश मात्रक सदस्य ज्ञात कीजिए, तो पहले हमें इतने का पता होना चाहिए, इतना सदस्य पता होना चाहिए, कोई बात ना सॉल्यूशन करेंगे। अब उन्होंने दे रखा है ए बराबर कितना दे रखा है टू आई माइनस का जे प्लस के टू के, ये ए दे रखा है कॉमा बी दे रखा है, बी कितना दे रखा है माइनस के आई प्लस के जे और माइनस का के, है ना। तब क्या निकाल लो बेटा, पहले ए प्लस बी तो निकाल लो, ए प्लस बी यानी कि इनका दोनों का जोड़ कर लो, जोड़ करोगे यानी कि टू आई माइनस का जे प्लस के टू के, ठीक है, और यहां पर माइनस के आई और प्लस का जे और माइनस का के, ठीक है। देखेंगे ए प्लस का बी ऐसे ही क्या करोगे, यहां टू आई माइनस के जे प्लस के टू के, यहां क्या हो जाएगा माइनस के आई और प्लस का जे और माइनस का के, यही तो हो जाएगा, यानी कि इंप्लाइड कर लो ए प्लस का बी ऐसे उधर जोड़ घटा लो आई के, बेटा ये दो है और ये एक है, दो में से एक गया क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, तो आई बच गए, क्या बच गए बेटा आई, ऐसे जे का बेटा एक प्लस का एक माइनस का, इससे ये कैंसिल हो जाती है पहले, लेकिन लिख लो चलो शून्य जे लिख लो कोई दिक्कत ना है शून्य जे, ऐसे के ये दो है और ये एक है, तो दो में से एक गया एक बचा, तो यहां पर के बचा, ठीक है। अब हमें पता है इसके इसके दशा में तो मात्रक सदस्य, तब हम इसका मोड निकाल लें, मोड का मतलब इसका परिमाण निकालो, परिमाण निकालोगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट क्या, अरे वन का स्क्वायर आई के गुणांक का स्क्वायर, यहां पे वन है प्लस के शून्य का स्क्वायर प्लस के वन का स्क्वायर, कुल मिलाकर मोड कितना आया ए प्लस के बी ऐसे ही कितना आ जाएगा एक का स्क्वायर एक प्लस के शून्य प्लस का एक, यानी कि कुल मिलाकर ए प्लस के बी बराबर ये आ गया अंडर रूट दो। तब लिखेंगे तब क्या लिखोगे ए प्लस वी की दिशा में, की दिशा में या के अनुदिश की दिशा में, या ऐसे लिख सकते हो के अनुदिश अनुदिश, क्या लिखोगे बेटा मात्रक सदस्य, मात्रक सदस्य, ये आंसर आ रहा है बेटा कैसे, अरे ए प्लस का वी उसी सदस्य को उसी के परिमाण से क्या कर दोगे भाग, तो हमेशा मात्रक सदस्य बन जाता है। ऊपर क्या आया बेटा ए प्लस बी कितना आया है आपका आई प्लस के शून्य जे प्लस के, ठीक है,
ऐसे ही तो आया, चाहो तो इसको छोड़ दूंगा अभी, अंडर रूट टू ऐसे ही, इसका मान कितना आया अंडर रूट टू। अब बस इसको छोड़ो तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन वर्गमूल टू, और यहां क्या हो जाएगा आई, और प्लस के वन अपॉन वर्गमूल टू, और यहां क्या आ जाएगा के, और ये क्या आ गया आंसर। मेरे हिसाब से आप मात्रक सदिश निकालना सीख गए होंगे, परमाण निकालना सीख गए होंगे, और दो बिंदु दे रखे होंगे तो आप सदिश भी बनाना सीख गए होंगे, ये तीन क्रियाएं जान गए होंगे। अब देखो मैं दो क्रिया और सिखाऊंगा, क्या एक तो आपका क्या है प्रक्षेप निकालना, और एक क्या निकालना प्रक्षेप, और एक बेटा द्विक कोसाइन, सदिश की द्विक कोसाइन कैसे निकाली जाती है वो सिखाऊंगा, फिर देखना तुम्हें चार क्रियाएं आते आती हूं। देखो बेटा ये वाला सवाल बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सदिश इतने के अंदर से एक ऐसा सदिश जिसका परमाण कितना आठ इकाई है। देखो सवाल चेंज हो सकता है, यहां कोई सदस्य और कर सकता है और परमाण कुछ और बता सकता है, लेकिन इंपोर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल में अगर ये सवाल का तरीका जानते हो आप तो सबको कर डालोगे। क्या करते हैं देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे बेटा, मान लो माना ये जो दिया गया सदस्य उसको आप ए मान लो माइनस का जे और प्लस के टू के कर लिया, तब बेटा इसका मोड भी निकाल लो, क्या निकाल लो मोड। तो हम क्या करेंगे, मोड जानते हो आप अंडर रूट लगाओगे, यहां पे पांच का स्क्वायर प्लस यहां पे माइनस वन का स्क्वायर और प्लस यहां पे कितने का दो का स्क्वायर, सही है मोड निकाल रहे हैं बेटा अंडर रूट, पांच का स्क्वायर सब जानते हो 25, माइनस का वर्ग प्लस एक का स्क्वायर एक, प्लस दो का स्क्वायर कितना हो गया चार, कुल मिला के मोड आया इसका परमाण कितना आया बेटा ये चार और एक पांच और कितना हो गया 30, वर्गमूल में कितना हो गया 30, ठीक है बस निकल गया समझ लो। तब लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे बेटा, क्या लिखोगे ए के अनुदिश, ए के अनुदिश अनुदिश आठ इकाई, आठ इकाई बाला सदिश, सदिश देखो जितना वो परमाण का है वो रखो यहां आठ, ठीक है, और यहां पे इनटू यहां पे कर रखोगे ए और उसी का मोड, आ रही बात समझ में, इस तरीके से आप सूत्र बना डालोगे, समझ में आ गई मेरे भाइयों। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है जितने भी इकाई का है वो यहां रखो और उसका इकाई मान लो, समझ लो उसका, अरे इकाई सदिशी तो हो रहा है उसको, उसी के परमाण से आप भाग दे रहे हो तो ये इकाई बना रहे हो, ठीक बस हो गया आंसर, कुछ ना करना। क्या करना, आठ यहां रखो बेटा, यहां क्या लिखोगे, चलो ये तो आठ हो गया, यहां पे वर्गमूल कितना हो गया 30, और यहां लिखो ए कितना था, अरे ये था मेरे भाई पाई वाई माइनस का जे और प्लस के टू के, ठीक है, और शुद्ध कर दो बेटा, यहां बटे में तो वर्गमूल 30 ही रहा, इसकी करो आठ पंजे 40 और आई माइनस के आठ का आठ और जे प्लस आठ दोने 16 और क्या आ गया के, और चाहो तो सभी के बटे में भेज दो 40 बटे वर्गमूल 30 और यहां लिख दो आई माइनस के आठ बटे वर्गमूल 30, यहां क्या आ गया जे और प्लस 16 बटे वर्गमूल 30 और यहां आ गया के, और ये आ गया आंसर। बेटा कुछ ना करना है, इकाई सदिश आप जानते हो, इकाई सदिश कैसे जानते हैं हम, उसकी उसी को उसके परमाण से भाग दे देते हैं, और अगर ये ऐसे कह दे सदिश इतने के सदिश के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परमाण क्या हो आठ इकाई हो, तो बस क्या करना होता है, जितना भी परमाण कहे यहां गुणा कर दो, समझ लो इकाई सदिश निकाल रहे हो, सही है ना, समझ में आ गई हूं बिल्कुल, जो है बिल्कुल सिंपल सवाल है। देखेंगे अगला सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, देखो बेटा बहुत बेहतरीन सवाल लिखे हुए हैं दोनों, दोनों कभी कभार सीधे आ जाते हैं, सवाल देखेंगे क्या है, देख रहे हैं सॉल्यूशन करेंगे पहले वाले का, भाई अपने तरफ से माना, मान लिया आपने इसको ए मान लिया पहले वाले को, क्या 2i माइनस के 3j प्लस के 4k, इसको क्या मान लिया i, ए मान लिया, तथा दूसरे वाले को बी मानो, बी बराबर माइनस के 4i प्लस के 6j और माइनस के 8k, ठीक है ना, आ रही बात तुम्हारी समझ में। अब हम देख रहे हैं इस वाले को उसका रूप बनाएंगे, यानी कि इस वाले में अगर सदिश a बन गया
तो समझ लो संदेह हो गए। तो अब हम देख रहे हैं इसमें क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ाओ आगे। हम देख रहे हैं माइनस के दो कॉमन आ रहा है, माइनस के दो कॉमन ले लो, अंदर प्लस हो जाएगा, यहां दो बचे तो यहां टू आई बचा, यहां क्या हो जाएगा बेटा माइनस के दो तिया थे तीन रह गए तीन जे, ठीक है, यहां माइनस की जगह हो जाएगा प्लस दो चौक यानी कि चार और क्या हो जाएगा ए, ऐसे ही तो हो गया। यह बी बराबर माइनस के टू, बेटा ये क्या है मेरे भाई, ये ए तो ही है यानी कि इसका मतलब है बी बराबर आपने क्या सिद्ध कर दिया यहां लैम्डा और ए, और इस रूप के जो होते हैं सदस्य जिन जिन सदस्यों में ये प्रतिबंध लागू हो जाता है समझ लो वो कैसे कहलाते हैं, संदेह के समांतर सदस्य कहलाते हैं। लिखेंगे अतः, इसका मतलब है अतः कौन सा 2i माइनस के 3j प्लस के 4k और कौन सा वाला और माइनस के 4i और 6 माइनस के 8k कैसे हैं संरेख है, कैसे हैं संरेख है, और यही क्या है आंसर। देखो क्या करना होता है, मुझे पता है इधर देखेंगे आप लोग कहां ना समझ पा रहे होंगे, कुछ भी ना करना है। मान लो सदस्य बेटा यहां यहां पे हम देख रहे हैं दो सदस्य दे रखे हैं, वो ये कह रहे हैं सिद्ध कीजिए यानी कि दर्शाइए या सिद्ध कीजिए, बात एक ही है कि ये संरेखा है। तो मुझे पता है एक को ए मान लिया मैंने और दूसरे को बी, तो एक सदस्य में दूसरा सदस्य हम क्या कर लेंगे बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम देख रहे हैं ए तो इतना था बी इतना था, बेटा ए को बनाया ना जा सकता लेकिन बी को बनाया जा सकता है। बी में क्या करेंगे, बी में हम देख रहे हैं कुछ कॉमन लेकर ये बन रहा है, तो हम यही तो चाह रहे थे क्या, एक तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लो और क्या ले लेंगे यहां पर दो कॉमन है सब में, दो दूनी दो तिया दो चौक, तो माइनस के दो कॉमन लेने के बाद ये बचा, ये क्या है ए, बस हो गया समेत, यही प्रतिबंध क्या है इसे दिखाने के बाद कह सकते हो अतः सिद्ध होता है कि दिए गए बिंदु कैसे है दिए गए सदस्य कैसे हैं संरेख। तो हमने b बराबर लैम्डा, ये लैम्डा का मतलब यहां कोई भी गिनती आए, इससे हमें कोई लेना देना ना है, यहां कितनी भी गिनती आ सकती है। अगर किन दो सदस्यों में ये प्रतिबंध लागू हो गया b बराबर लैम्डा a, तो हम कह देंगे यानी कि दूसरे सदस्य के रूप में उसका स्थिति सदस्य पहले के रूप में लिख दिया, समझ लो आप क्या कर दिया, हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये कैसे हैं समांतर हैं और जो समांतर होते हैं वो संरेख भी होते हैं, सही है ना। तो ये सदस्य कैसे हो गए संरेख। अब आ जा बेटा दिक् कौशन ज्ञात कीजिए, जब भी दिक् कौशन ज्ञात करनी है पहले उस सदस्य का स्थिति सदस्य पता होना चाहिए, तो पता है सदस्य इतने ये स्थिति सदस्य तो ये अगर बिंदु दे रखा बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले सदस्य की दिक् कौशन ज्ञात कीजिए, तो पहले आप दोनों के बिंदु के ओपी और ओक्यू मान लेंगे फिर पीक्यू निकाल के फिर क्या करेंगे। अब बताता हूं जब भी सदस्य का स्थिति सदस्य पता है कुछ भी ना करना उसका मॉड निकाल लो, क्या कर लोगे क्यों, क्योंकि देखो रूल्स क्या है बेटा, ये ए वन आई प्लस के ए टू जे प्लस ए थ्री के ये दिक् अनुपात कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं ये क्या कहलाते हैं बेटा दिक् अनुपात, दिक् अनुपात अनुपात। अब जो इसका क्या निकाल लोगे आप, इसको ए मानना है तो इसका मोड निकाल लो, क्या निकाल लोगे मोड, मोड कैसे निकालोगे बेटा, इसका मोड कैसे हो जाएगा ए वन का स्क्वायर और ए टू का स्क्वायर और ए थ्री का स्क्वायर, ऐसे करोगे तब पता है दिक् कोसाइन कितनी होती है। किसी भी सदस्य की जो दिक् कोसाइन होती है वो पता है कि ए वन बटे मोड ए कॉमा बी ए टू और बटे मोड ए कॉमा ए थ्री अपॉन मोड ए, सही है ना, यानी कि आई जे के गुणांकों को उनके परमाण से भाग देने पर दिक् कोसाइन प्राप्त हो जाएंगे। तो हम देख रहे हैं हम समझ गए इसमें करना क्या है, सॉल्यूशन करेंगे बेटा, इसको मान लिया मैंने माना ए, ए मान लो इसको, ए बराबर क्या हो गया आई प्लस के टू जे और प्लस के क्या हो गया थ्री के, यही तो आ गया हरी बात तुम्हारी सही ना। तब बेटा क्या करोगे यहां पे, अब मोड ए निकालो, मोड ए, मोड ए क्या हो जाएगा अंडर रूट कितना हो जाएगा वन का स्क्वायर, अरे यहां वन है यहां कितना है दो, दो का स्क्वायर यहां पर तीन का स्क्वायर, कुल मिलाकर मोड ए बराबर कितना आ गया, अरे बेटा जोड़ो वन का स्क्वायर वन प्लस के यहां हो गया फोर यहां कितना हो गया नाइन, सब जोड़ोगे तो कितना हो गया अरे चौदह हो गया, नौ एक दस और चार चौदह,
ठीक है, तब लिखेंगे तब क्या है सदिश की दिक कोसाइन, सदिश की दिक कोसाइन, दिक कोसाइन क्या करोगे बेटा क्या हो जाएगा, मैंने अभी क्या बताया कैसे, अरे ए वन यानी कि एक बटे वर्गमूल चौदह कॉमा कितने ये लिखो दूसरा दो बटे वर्गमूल चौदह और फिर क्या लिखोगे कॉमा लगा के तीन बटे वर्गमूल चौदह और यही क्या आ गया आंसर। इस तरीके से हम क्या है किसी भी सदिश की दिक कोसाइन ज्ञात कर सकते हैं। देखो बेटा यहां काफी सवाल हो गए सही है ना, अब मैं सिखाता हूं मेन चीज, अभी दो है सदिशों का अदिश गुणनफल और सदिशों का सदिश गुणनफल, बेटा पूरा कंप्लीट करा दूंगा दो वीडियो बनाऊंगा इस सदिश की और गारंटी दे रहा हूं दो वीडियो में पूरा फंस जाएगा। देखते हैं सवाल आ गए, देखो बेटा इससे सवाल निश्चित छपेगा ये ध्यान रखना, बहुत एक सवाल यहां से इसी पे आधारित, देखो क्या होगा इधर देखेंगे, देख रहे हैं क्या कह रहा है, दो सदिशों का अदिश गुणन या इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं ठीक है, इधर देखेंगे सूत्र क्या होता है, दो सदिश ए और बी ले रखा है इनका डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन बराबर होता है ए का मोड बी का मोड और कॉस थीटा, थीटा क्या है इन सदस्यों के बीच का कोण है, थीटा क्या है सदस्यों के बीच का कोण, और बीच का कोण निकालोगे तो ऐसा निकाल लोगे कॉस थीटा बराबर ये गुणा की चीज बटे में डाल दोगे ठीक। इससे पहले भी आपको ये चीज पता होनी चाहिए, क्या आई जे के इकाई सदस्य है, जब आई जे के इकाई सदस्य है तो इन इकाई सदस्यों का डॉट प्रोडक्ट बन भी होता है और शून्य भी होता है, समान समान वालों का बन होता है और बाकी की अलग अलग वालों का क्या हो जाता है शून्य, जैसे आई डॉट आई बराबर बन, जे डॉट जे बराबर बन, के डॉट के बराबर बन, बाकी की कहीं भी डॉट प्रोडक्ट अन्य इकाई सदस्यों के बीच है तो उनका क्या लिख दूंगा शून्य, जैसे आई डॉट जे बराबर शून्य या के डॉट आई बराबर शून्य या जे डॉट के बराबर शून्य, इतना याद रखना बेटा पिछले साल इस पर ही एक नंबर मिला था ठीक है ना। अब आ जाओ बेटा देखो यहां स्पेशल कंडीशन है, यदि क्या है सदस्यों के बीच का कोण, सदस्यों के बीच का कोण 90 अंश है, यानी कि सदस्य कैसे हैं सदस्य समकोण, सदस्य यहां लिखेंगे सदस्य परस्पर परस्पर कैसे हैं लंबवत हैं, कैसे हैं लंबवत हैं, तब पता है बेटा क्या हो जाता है, अरे यहां क्या लिखोगे, अरे कॉस 90 लिखोगे ना लिखोगे बेटा बराबर ए डॉट बी बराबर अपॉन क्या होगा ए का मोड और बी का मोड और यहां पे क्या हो जाएगा कॉस 90 का मान शून्य, तो ए डॉट बी अपॉन ए का मोड और बी का मोड और ये बटा एक करके तिरछी गुणा ए डॉट बी बराबर क्या होगा इसके शून्य से करोगे शून्य, इसका क्या मतलब है बेटा, वो अगर ये कहता है कि सिद्ध करो ये सदिश परस्पर लंबवत है, वो आपसे दो सदिश देगा और कहेगा सिद्ध करो ये परस्पर लंबवत है, तो इनका उसका मतलब है उसका डॉट प्रोडक्ट क्या दिखा दो आप, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो यानी कि अदिश गुणन करो, यदि शून्य आ जाए तो कह दो परस्पर लंबवत है ठीक। एक तो ये बात, दूसरी बात क्या बेटा इधर देखा जाए, दूसरी बात क्या कभी कभी क्या कह देता है एक सदस्य ये और वो कह देता है क्या ये परस्पर लंबवत है, तो उनमें से किसी आई जे के एक गुणांक कोई गिन कुछ आपको चर रख देगा तो कहेगा उस चर का मान ज्ञात कीजिए, इस तरीके का सवाल आता है सही है। चलो देखते हैं बेटा थोड़ा सवाल देखेंगे फिर देखेंगे, मैं एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट लेता हूं जो कि लगभग आ ही जाएगा, देखते हैं बेटा, देखो बेटा सवाल देखेंगे, वो कह रहे हैं सदस्य इतने इतने के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, अब हमें पता है सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम पर सूत्र रहेगा, लेकिन पहले इसका मोड निकाल लो ए बराबर आई प्लस का जे माइनस का के, मोड निकालो बेटा मोड ए बराबर यानी कि इसका परिमाण क्या हो जाएगा यहां वन का स्क्वायर प्लस के वन का स्क्वायर और प्लस यहां क्या है माइनस के वन इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा वन प्लस के वन प्लस के वन यानी कि अनुरूट तीन ठीक है, लिखेंगे तथा मोड बी निकालो, मोड बी बी बराबर है कितना पहले लिख लो आई माइनस का जे प्लस का के ठीक है ना,
यहां देखो मोड भी निकालो, मोड भी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, अरे वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस के वन का स्क्वायर, ऐसे तो करोगे बी ऐसे ही, ठीक है, बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा एक प्लस के एक प्लस का एक, यानी कि मोड भी बराबर भी कितना आ गया अंडर रूट तीन। तो कहेंगे तथा क्या निकालेंगे हम, ए डॉट बी निकालो, ए डॉट बी सब कुछ निकाल कर रख लो, यानी कि उनका अदिश गुणन कर लो, एक कितना बेटा आई और प्लस का जे माइनस का के, और यहां पे आई माइनस का जे प्लस का के, देखो बेटा गुणा करो, आई की केवल आई से करेंगे क्योंकि हमें पता है डॉट प्रोडक्ट में अन्य से करोगे तो क्या हो जाएगा, अन्य से करोगे तो क्या हो जाएगा शून्य, तो इसलिए आई की आई वाले से आई डॉट आई केवल यहां कर लोगे आई डॉट आई, इसकी इससे करोगे तो बेटा माइनस आएगा, इसकी इससे करोगे तो माइनस जे डॉट जे, इसकी इससे करोगे तो माइनस के डॉट के, ऐसे ही तो आएगा कुल मिलाए के, अभी हमने बता रखा है इसका मान वन माइनस इसका भी वन माइनस इसका भी वन, वन से वन कैंसिल, ये क्या आ गया माइनस के वन, है ना, लिखेंगे यहां पर माना ए और बी के बीच का कोण, के बीच का कोण थीटा है, थीटा है तब हम जानते हैं सूत्र कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन ए का मोड और बी का मोड, ऐसे ही तो जानते हैं कॉस थीटा कॉस थीटा बराबर क्या आया माइनस एक बटे और ये आ गया तीन, लेकिन थीटा निकालना है तो बेटा ये इधर से कॉस हटा दो इनवर्स में पहुंचा दो, तो ये हो गया कॉस इनवर्स माइनस के एक बटे तीन, और यही क्या आ गया आंसर। इस तरीके से आप दो सदस्यों के बीच का कोण भी निकाल सकते हैं, ठीक। आ जाओ बेटा बहुत इंपोर्टेंट छपने वाला सवाल, बस रूल्स याद हो और हो जाता है, देखते हैं कैसे प्रक्षेप कैसे ज्ञात करेंगे, प्रक्षेप ज्ञात करना आना चाहिए और सदस्यों के बीच का कोण निकालना आना चाहिए, बस देखते हैं इधर क्या करेंगे, प्रक्षेप कैसे ज्ञात करेंगे, यहां ध्यान रखेंगे बेटा यहां दो सूत्र है, कोई कह दे सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, ठीक है ना, तो जिस पर कह दे उसका क्या कर देते हैं बी ऐसे ही अपॉन उसका मोड, ठीक, ए का बी पर, और यहां पर क्या लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट में ए, आर्यवसन में ये होता है, अगर वो कह देता सदिश एम का सदिश एन पर प्रक्षेप, नारीवासन है यहां प्रक्षेप, पता है क्या किस पर कह रहा है, जिस पर कह रहा हो उसका ये डॉट प्रोड उसी का मोड निकाल लिया करो नीचे, उसका मोड और डॉट में क्या हो रखोगे एम, आरिवा समझ में, ये होता है प्रक्षेप, क्या है एक प्रक्षेप एक अदिश राशि है, कैसी है अदिश, यानी कि डायरेक्ट उसका मान क्या आ जाएगा एक गिनती आएगा, नारीवा तो आए समझ में बेटा एक गिनती आएगा, क्या आएगा गिनती, समझ रहे हो ना, मैंने तुम्हें बताया बिल्कुल सरल होता है, जिस परक है उसका मोड से भाग देनी है बस। अब देख रहे हैं यहां सॉल्यूशन करेंगे बेटा, यहां हमें क्या कह रहा है सदिश इतने का इतने पर, तो इसका मोड और निकाल दो, क्या निकाल लो बी का, बी का क्या निकालो मोड निकाल कर रख लो बेटा, क्या यहां वन का स्क्वायर प्लस कितने का दो का स्क्वायर और प्लस कितने का वन का स्क्वायर, कुल मिलाकर क्या आया, अरे वन का स्क्वायर वन प्लस के चार प्लस के वन, और यहां क्या आ गया अंडर रूट छह, तब लिखेंगे तब क्या लिखोगे सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, बस कुछ ना करना है बेटा, यहां वन अपॉन मोड भी लिख लो और यहां क्या लिख लो ए डॉट बी, यहां डॉट प्रोडक्ट कर दो, बस कुछ ना करना, इतना सा आंसर है, देखेंगे कितना आएगा, अरे वन अपॉन इसका मान तो आपने निकाला है बरमूल छह, यहां पर डॉट प्रोडक्ट कर दूं मैं, डॉट उसका आई का लिखोगे, यहां लिखोगे टू आई देखो यहां क्या लिखूंगा 2i प्लस 3j प्लस के 2k, ठीक है,
डॉट बी लिखोगे क्या आई प्लस के टू जे और प्लस के आ रही बात तुम्हारी समझ में। बस वन अपॉन वर्गमूल सिक्स ऐसे ही बेटा गुणा कर लो, दो एक दो केवल ऐसे करते हैं, तीन दूनी छह, अरे जे की जे वाले से आई की आई वाले से के की के, तीन दूनी छह, यहां लिखोगे क्या दो एक दो दो कुल मिलाकर वन अपॉन वर्गमूल छह ऐसे ही, ये कितना हो रहा बेटे भाई, ये हो रहा कितना दस हो रहा है, तो कितना आ जाएगा गुणा दस, या डॉट प्रोडक्ट में अंदर ऐसे कर लो दस, क्या आ जाएगा बेटा दस बटे वर्गमूल छह, और इतना ही आंसर दे दो नारीवाद। यहां चाहो तो भाई आप क्या कर लो, कर सकते हो परमेकरण कर दो, परमेकरण कैसे करोगे, अरे दस ऐसे ही वर्गमूल छह ऊपर और नीचे वर्गमूल छह के गुणा कर दोगे, वर्गमूल छह ऊपर क्या आया दस वर्गमूल छह और नीचे कितना आया ये आधी घात एक हो गई, दो पंजे दस दो तीन छह, तो पांच बटे तीन वर्गमूल छह भी आंसर आ सकता है। ठीक है देख रहे हैं बेटा मैं इसको बिल्कुल सरल मानता हूं, कैसे यार डॉट प्रोडक्ट आप करना जानते हो, बता डॉट प्रोडक्ट में कोई दिक्कत, अरे आई की आई वाले से जे की जे वाले से के की के वाले से जो चिन्ह गुणा होकर आए उनको बीच में रखते रहो, सही है, तो डॉट प्रोडक्ट में तो आदेश गुणन में तो बिल्कुल सिंपल है, आदेश गुणन से सिंपल नहीं होता ठीक, और आप मापांक यानी कि मोड पहले ही निकाल लेते हो, तो केवल रूल से याद होना चाहिए ए का बी पर, तो बी का मोड नीचे ऊपर ए डॉट बी, और अगर कह दे बी का ए पर, बी का ए पर तो ए का मोड नीचे, यानी कि जिस पर कहता है उसके मोड से उसके डॉट प्रोडक्ट को क्या कर दो भाग कर दोगे आपका प्रक्षेप आ जाएगा। अब पता है क्या कर देता है, बहुत बड़ा ए प्लस के टू बी प्लस के थ्री सी बड़ा और का सदस्य ए माइनस टू बी प्लस के थ्री बी ऐसा कर देता, बड़े बड़े सदस्य कह देता इसका इस पर, अरे हमें क्या करना है, जिस पर कहता है इसका मोड निकाल लो और ऊपर डॉट प्रोडक्ट को उसी के मोड से क्या कर दो भाग, इसका इस पर प्रक्षेप आ गया, समझ गए, ये सूत्र याद होना चाहिए, सवाल कठिन नहीं है, सवाल तो आप कर डालोगे। देखते हैं बेटा और बेहतरीन सवाल एक और, देखो बेटा ये मैंने तो बड़ा सवाल नहीं रखा, इसका छोटा सवाल भी आता है, सही है ना, खैर मैं तो बड़े से सिखा रहा हूं, इधर देखेंगे क्या करना है। वो कह रहा है यदि इतना ए बराबर इतना बी बराबर इतना और सी बराबर इतना इस प्रकार है कि ए प्लस के लैम्डा बी कॉमा सी पर कैसा है लंब, यानी कि ये परस्पर कैसे है लंबत है, कैसे है लंबत, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। वो ये कह रहा है, क्या कह रहा है लैम्डा का मान, अब हमें पता है भाई मुझे ये वाला सदिश और ये चाहिए, तो ये तो क्लियर है, पहले मुझे ये बना लेना चाहिए ताकि कि क्या है मुझे तो इन दोनों का दिखाना है, तो यहां पर क्या लिखूंगा a प्लस के लैमडा b, पहले इसको क्लियर करूंगा, तो ये a आया और ये लैमडा और ये क्या आया मैंने b उतारा, a कितना है बेटा टू आई प्लस के टू जे प्लस के थ्री के, ये a उतार लिया, b उतारो माइनस के आई प्लस के टू जे और प्लस का के, ठीक है ना, यहां पे क्या लिखोगे ए प्लस के लैम्डा बी, सही, अब शुद्ध कर लो बेटा टू आई प्लस के टू जे प्लस के थ्री के, लैम्डा की गुणा करो तो यहां पे इसकी गुणा करोगे तो इसकी इससे करोगे तो माइनस के लैम्डा आई प्लस के टू लैम्डा जे प्लस के लैम्डा के, ठीक है ना, अब हम देख रहे हैं और शुद्ध करेंगे बेटा, क्या शुद्ध करोगे वहां से क्या कर लो बेटा आई वालों से आई कॉमन ले लो प्लस जे वालों से जे कॉमन ले लो और प्लस के वालों से के, अरे तीन पद बना लो सही, आई वालों से यहां टू बचा और यहां पर क्या है माइनस के, तो यहां टू माइनस के लैम्डा हो गया, यहां ये जे वाला और ये वाला जे है तो यहां हो गया टू प्लस के टू लैम्डा, ठीक है, यहां तीन बच गया और यहां प्लस के लैम्डा, ये आपका क्या आ गया ए प्लस के लैम्डा बी, लिखेंगे चूंकि ए प्लस के लैम्डा बी सी पर कैसे हैं लंब है, इसलिए हमें ये पता पड़ गया जो सदिश लंब होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट ए प्लस के लैम्डा बी और डॉट सी बराबर लिख सकते हैं शून्य, क्योंकि जो सदिश कैसे होते हैं लंबवत होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या लिख सकते हैं शून्य लिख सकते हैं, बस कुछ ना करना है यहां पर वैल्यू लिख दो, यहां इसकी
डॉट यहां दूसरे वाले की, ऐसे कर लेते हैं, और बराबर शून्य। ठीक है, मैं इसको लिख रहा हूं बेटा, इसको क्या 2 माइनस के लैम्डा आई प्लस 2 प्लस के 2 लैम्डा जे प्लस कितना 3 प्लस के लैम्डा और के, ऐसे ही तो लिखोगे बेटा। मैंने ये इतना लिख दिया, अब सी लिखो, सी कितना है 3i प्लस का जे, ठीक है ना। बस चलो इधर कर लेते हैं यहां, अब क्या करोगे बेटा, आई का आई वाले से, इसका किससे करोगे, इससे, तो 3 और 2 माइनस के लैम्डा आया, इसका इससे करोगे हो गया शून्य, सॉरी इसका ना हुआ शून्य, क्योंकि जे तो है, ये जे का है और यहां जे का बन है, तो इतने कम, तो यहां हो गया 2 प्लस के 2 लैम्डा और गुणा बन, और प्लस इसका क्या हो गया बेटा के डॉट के, ये शून्य हो गया, क्योंकि के यहां है परंतु इसमें के ना है, तो छोड़ो, तो करेंगे और करेंगे गुणा, करो भाई शुद्ध करो, 3 दूनी 6 माइनस के 3 लैम्डा प्लस यहां करो क्या करोगे बेटा 2 प्लस के 2 लैम्डा, ठीक है, बराबर शून्य, कुल मिला के यहां आया, ये गिनती है, ये गिनती है, 6 और 2 कितने होंगे 8, ये 3 लैम्डा माइनस के 2, तो माइनस के लैम्डा बराबर शून्य, कुल मिला के माइनस के लैम्डा बराबर, इस गिनती को उधर ले गए, माइनस के 8, माइनस से माइनस के अंश, लैम्डा बराबर 8, इस तरीके से लैम्डा निकलवा लेता है। तो यहां पे बड़ा सवाल दे रखा था, हालांकि यहां पे बड़े करने की कोई जरूरत ना है बेटा, छोटा सा सवाल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, छोटा सा सवाल, ठीक है ना, क्या वो तो इतना और इतना परस्पर लंबत है, हमसे कहेगा सिद्ध करो, इतना और इतना परस्पर लंबत है, तो हम क्या करेंगे उनका डॉट प्रोडक्ट शून्य दिखा देंगे, और अगर कह देता है कि ये और ये परस्पर लंबत है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट शून्य के बराबर लेकर चलोगे, जिससे डॉट प्रोडक्ट करोगे जरा सी देर में, उस जो चर दे रखा होता है उसके मान निकल आता है। चलो देखते हैं बेटा आगे, देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल है बेटा, सिद्ध कीजिए, इतने 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 कैसे हैं संरेख हैं, ये तीन बिंदु हमें क्या दिखाने हैं, संरेख दिखाने हैं, ये तीन बिंदु कैसे दिखाने हैं बेटा, संरेख, आ रही बात सही में, तब पता है सॉल्यूशन कैसे निकालो करोगे इसका। देखो पहले इनको OA OB और OC बिंदुओं के मूल बिंदु के सापेक्ष क्या ले लो, स्थिति सदिश ले लो, तो क्या आ गया माइनस के 2i प्लस के 3j प्लस के 5k, ठीक है ना, और दूसरा लिखोगे i प्लस के 2j प्लस के 3k, आ रही बात समझ में, तीसरा लिखोगे 7i माइनस के k, ठीक है। तब बेटा पहले ए बी निकाल लो, क्या निकाल लो, सदिश ए बी, आप सब जानते हो ओ बी माइनस के ओ ए करोगे, करोगे ना करोगे बता, ए बी ऐसे बेटा यहां करो, ओ बी लिखो, ओ बी कितना बेटा यहां लिख डालो, कितना i प्लस के 2j प्लस के 3k, यही तो है, माइनस का ओ ए कितना है बेटा यहां माइनस के 2i प्लस के 3j प्लस के 5k, इधर देखेंगे बेटा, जरा सी गलती सवाल को गलत करा देगी, इसलिए ध्यान से देखोगे, i प्लस के 2j प्लस के 3k चिन्ह बदल दो, प्लस के 2i और माइनस के 3j और माइनस के 5k, ठीक है ना, इधर देखोगे ए भी ऐसे बेटा, अब जोड़ घटा लो, ये i के कितने हैं 2, एक ये है तो 3i हो गए, जे के ये माइनस के 3 है, ये प्लस के 2 है, प्लस के बेटा किसका आ गया माइनस का जे आया, आया ना, अब के ये प्लस के 3 है माइनस के 5 है, तो माइनस के 2 के, ठीक है, इसका मोड और निकाल लो, क्या निकाल लो, ए बी बराबर अंडर रूट, क्या करोगे यहां 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, कुल मिलाकर मोड ए बी बराबर आया कितना बेटा अंडर रूट ऐसे ही 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 1 प्लस के 4, कुल मिलाकर ए बी बराबर कितना आया बेटा जरा बताना, अरे 14 आया, कितना आया 14, ठीक है, बस यहीं छोड़ दो, अब लिखेंगे तथा, अब क्या निकालो बेटा, ए बी निकाला, अब बी सी निकालो, बी सी निकालोगे तो ओ सी माइनस के ओ बी लिखोगे ना, हाँ बेटा लिख दो, बी सी ऐसे ही यहां पे ओ सी माइनस यहां पे ओ बी, ओ सी कितना बेटा, ओ सी लिखो 7i माइनस का के, यही तो है ओ सी, और ओ बी कितना है i प्लस के 2j और प्लस के 3k, ठीक है ना, बस कर दो इसको कैलकुलेट, करोगे 7i माइनस का k माइनस के i माइनस के 2j माइनस के 3k, चलो करो बेटा, bc ऐसे बेटा
देख रहे हैं यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, सेवन आई बच, ये सिक्स आई बच गई है ना, और जे के माइनस के टू जे और माइनस के फोर के, यही तो आया। तो अब यहां बीसी का मोड भी निकाल डालो, करोगे कितना आएगा, छह का स्क्वायर प्लस माइनस दो का स्क्वायर प्लस माइनस चार का स्क्वायर, ठीक है। बीसी ऐसे ही देखते हैं अंडर रूट कितना आ गया, अरे छह का छत्तीस प्लस ये कितना आया बेटा, ये बताओ, ये हो गया चार और ये हो गया चार चौक सोलह, कितना हो गया सोलह, कुल मिलाकर अंडर रूट बीसी ऐसे ही कितना आया बेटा, ये चालीस छप्पन आया, कितना आया छप्पन। यह बीसी बराबर इसको आप लिख सकते हैं चौदह चौका छप्पन, चौदह गुणा चार, चार का दो आ जाएगा, तो बीसी बराबर कितना आ गया दो वर्गमूल चौदह, ठीक है ना, आ रही बात समझ में। अब तथा क्या और निकालो, एसी निकालो बेटा, एसी बराबर हो जाएगा ओसी माइनस का ओए, आ रही बात समझ में, एसी निकालेंगे। अब एसी निकालो बेटा, एसी ऐसे ही बेटा, यहां मैंने बताया यहां ओसी और यहां ओए, ओसी कितनी है बेटा सेवन आई माइनस का के, और ओए कितना है माइनस के टू आई, माइनस के टू आई और प्लस के थ्री जे और प्लस के फाइव के, ठीक है। चलो और करो कैलकुलेट, यहां सेवन आई माइनस का के प्लस के टू आई, प्लस के टू आई और माइनस के थ्री जे और माइनस के फाइव के, यही तो आया, कुल मिलाकर कितना आया बेटा, ये हो गए कितने नाइन आई, अरे नौ आई हो गए, और जे का माइनस के थ्री जे और ये कितना हो गया माइनस के छह के, ठीक है ना, आ रही बात तुम्हारी समझ में। अब एसी का भी मोड निकाल लो बेटा, यहां पर क्या करूंगा एसी का मोड निकालो, अंडर रूट कितना आया बेटा, अंडर रूट कितना आया देखो, कितना आया नौ का स्क्वायर प्लस कितने का माइनस तीन का स्क्वायर और प्लस माइनस छह का स्क्वायर, करोगे बेटा एसी ऐसे ही, ठीक है ना, ये करोगे नौ का स्क्वायर कितना हो गया इक्यासी और यहां कितना आ गया बेटा, यहां तीन का माइनस का स्क्वायर प्लस के तीन हो गया और ये हो गया छत्तीस, चलो जोड़ो जोड़ो कितना हो गया बेटा बताओ ना भाई, अरे भाई हो कितना गया, यहां यहां देख रहे हैं ये नब्बे हो गया और नब्बे और ये बेटा कितना हो गया, ये नब्बे हो गया, नब्बे तीस एक सौ छब्बीस हो गया, कितना हो गया एक सौ छब्बीस। अब देखो ये कितने होते हैं बेटा, ये चौदह कितने होते हैं बता, अरे बता, अरे चौदह नम्मा एक सौ छब्बीस ना होती है, अरे यहां क्या लिख सकते हो चौदह गुणा नौ ना लिख सकते हो, नौ का कितना आ गया तीन, तो एसी बराबर क्या आ गया तीन वर्गमूल चौदह। अब हम देख रहे हैं बेटा ये अकेला इन दोनों के योग के बराबर है, तब क्या लिख सको तुम, तब इन दोनों को जोड़ो, क्या ए बी का मोड, ए बी का मोड प्लस बी सी का मोड जोड़ना, अरे कितना आया ए बी का कितना है बेटा अंडर रूट चौदह, कितना है चौदह दिखाई दे रहा है देखो, हाँ चलो दिखाई दे रहा है अंडर रूट चौदह और प्लस वो कितना है दो वर्गमूल चौदह, कुल मिलाकर क्या आया ए बी का मोड प्लस बी सी का मोड और बराबर ये कितना, अरे ये वर्गमूल चौदह के दो है, ये वर्गमूल चौदह का एक है, दो और एक तीन, तीन वर्गमूल चौदह, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो ए बी प्लस के बी सी प्लस के, इसको लिख सकते हो मोड ए सी। और बेटा जब ऐसा हो तो त्रिभुज संभव नहीं है, क्या जब दोनों भुजाओं, दोनों छोटी छोटी भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा के बराबर है तो वह क्या है, वह क्या ना होता है त्रिभुज नहीं बना सकते, यानी कि जब दो सदस्यों का परिमाण का योग अगर एक सदस्य के परिमाण के बराबर आ जाता है तो क्या है वो त्रिभुज नहीं बना सकते, अर्थात बिंदु कैसे होते हैं संरेख, ये वाली चीज इस वाली चीज ने क्या कर दिया लिख देंगे, अतः क्या है बिंदु ए कॉमा बी और सी कैसा है संरेख है, कैसे हैं संरेख हैं, और यही सिद्ध करना था। जब भी तुमसे संरेख करवाए तो देखो पहले हमने बताया था क्या दो सदस्यों में पूछे तो बिल्कुल सिंपल है, दो सदस्य संरेख कहे या समांतर कहे तो उस समय दूसरे वाले को पहले वाले के रूप में लिख देते हैं, आपको समझ में आएगा, तीन बिंदु संरेख है तो सिंपल है, पहले ए बी निकालो फिर बी सी निकालो फिर ए सी निकालो, सबके परमाणु निकालो, अगर किन्हीं दो के परमाणु
किन्हीं दो के परमाण और अकेले के परमाण के बराबर आ जाए तो वह बिंदु क्या करेंगे, समरेख होंगे। वह बिंदु कैसे होंगे, समरेख। बहुत अच्छा सवाल है बेटा, एक बहुत बेहतरीन सवाल। देख के जाना वीडियो पूरी, देखना इतना इंपॉर्टेंट, बिल्कुल छपने वाला सवाल। मैं उसमें का कराऊंगा, फिर बताऊंगा किस तरीके से होता वो। देखते हैं आगे। देखो बेटा बहुत बेहतरीन सवाल है, इसमें के कई सवाल है, लेकिन आप इसको जानते हो, सबको जानते हो। देखो ऐसे सवाल होंगे तो कैसे करोगे, क्या है सवाल, पहले सवाल भी तो देख लो। सिद्ध कीजिए बिंदु इतने इतने एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, तो हमें भुजाएं पता होने चाहिए, भुजाओं के परमाणुओं में संबंध निकालूंगा। तो जब भी शीर्ष दे रखे होंगे पहले भुजाओं के सदिश ज्ञात करोगे ना, तो पहले क्या करेंगे, मूल बिंदु के सापेक्ष, यहां लिख दो मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष शीर्षों के, किसके शीर्षों के स्थिति सदिश, स्थिति सदिश बना लो बेटा। सीधे क्या लिख लो, एक को ओ ए लिख लो, एक को ओ बी, एक को ओ सी। यहां लिख लूंगा ओ ए, एक को लिखूंगा ओ बी और कॉमा, और यहां लिख दो और क्या लिखोगे ओ सी, ठीक है कॉमा। ये ओ ए ओ बी और ओ सी, इनके स्थिति टू आई माइनस का जे प्लस का के लिख लिया, और आई माइनस के थ्री जे माइनस के फाइव के लिख लिया, और देखो थ्री आई माइनस के फोर जे और माइनस के फोर के लिख डाला हमने। तब बेटा मैं सबके स्थिति सदिश निकालूंगा, किसका ए भी निकालो पहले, ए भी बराबर हो जाएगा ओ बी माइनस का ओ ए। अरे ये हो जाएगा ना मेरे भाई, अरे ए भी ऐसे ही, चलो और करेंगे बेटा। ओ बी यहां रखोगे माइनस के ओ ए यहां रखोगे, तो ओ बी लिखोगे आई माइनस के थ्री जे माइनस के फाइव के, ओ ए कितना लिखोगे टू आई माइनस का जे प्लस का के, चलो बड़ा आ गए। ए भी ऐसे बेटा, यहां क्या हो जाएगा आई माइनस के थ्री जे माइनस के फाइव के माइनस के टू आई प्लस का जे और माइनस का के, यही तो आया। ए भी देखो बेटा, यहां देखो आई ये कितनी है बेटा, आई ये दो आई है, ये एक आई है, तो माइनस के आई बचा। अब जे में आ जाओ, ये माइनस के तीन है, ये प्लस का एक है, तो माइनस के टू जे बचा, और के में ये माइनस का है, ये भी माइनस का, माइनस के छह के, सही है। चलो निकालो इसका मोड, परमाण निकालोगे, परमाण क्या करोगे बेटा, यहां परमाण हो जाएगा माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस दो का स्क्वायर प्लस माइनस छह का स्क्वायर, ठीक है। कुल मिलाएगा इसका, ऐसे कर लो, इसका स्क्वायर भी कर लो, सही है। स्क्वायर करोगे वर्गमूल खत्म हो जाएगा, यहां कितना हो जाएगा एक प्लस का दो का स्क्वायर चार प्लस के यहां कितना हो गया छत्तीस, कुल मिलाकर यह आया इकतालीस। यहां पहला ए बी का स्क्वायर हमने परमाण का, अब देखो अगर वो सवाल इसको कहता सिद्ध कीजिए ये संभाव त्रिभुज के शीर्ष है, तो हम परमाण तक ही निकालते, क्या निकालते सबके परमाण निकालोगे, भुजाओं के सदस्यों के परमाण निकालते। लेकिन वो क्या कह रहा है, ये कैसे है समकोण त्रिभुज है, तो हमें तो पाइथागोरस प्रमेय है, यानी कि किन्हीं दो भुजाओं के परमाणों के वर्गों का योग अगर एक के परमाण के बराबर हो जाएगा तो समझ लो पाइथागोरस प्रमेय ना हो गई वो। और पाइथागोरस प्रमेय कहां लगती है, समकोण त्रिभुज में। आ रही बात तुम्हारी समझ में बेटा, यहां परमाण से आगे बढ़ेंगे। मैंने परमाण निकाला ये अच्छा ये रह गया, यहां परमाण निकाला था ठीक है, परमाण का वर्ग कर दो। अब इसी प्रकार क्या निकालो, ये ए बी निकाल ले, बी सी निकालो, बी सी निकालेंगे तो बी सी क्या हो जाएगी, ओ सी माइनस के ओ बी ना हो जाएगी। चलो बेटा बी सी ऐसे ही यहां निकालो, ओ बी ये रखा और आपका ओ सी ओ बी ये रहा है ना। देखो ओ सी कितना बेटा, ओ सी है थ्री आई माइनस के फोर जे माइनस के फोर के, और ओ बी कितना आई माइनस के थ्री जे और माइनस के फाइव के, यही तो है बेटा। चलो खैर देखेंगे, बी सी करेंगे आगे। चलो थ्री आई माइनस के फोर जे माइनस के फोर के, चिन्ह बदल दो, माइनस का आई प्लस के थ्री जे और प्लस के फाइव के, सही है ना। चलो और करो बी सी ऐसे ही बेटा करोगे, ये थ्री आई में से एक आई गई तो टू आई बची, यहां चार जे है ये तीन जे है तो माइनस का जे, यहां पर ये चार के हैं और ये है कितना पांच तो प्लस का के, सही है। मोड निकाल लो बेटा बी सी, इसका मोड निकालो, मोड ऐसे कर लो बेटा, यहां दो का स्क्वायर और प्लस माइनस वन का स्क्वायर और प्लस वन का स्क्वायर, कुल मिलाकर बी सी का ये कितना आया बेटा अंडर रूट चार
और प्लस का यहाँ पर एक, प्लस का एक, दोनों ओर का वर्ग करने पर तो बी सी का स्क्वायर कर लोगे और वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, यहाँ आ गया छह। लिखेंगे तथा, तथा सी ए लिखो, सी ए भुजा सी ए का सदिश निकालो, तो ओ ए माइनस का ओ सी ना हो जाएगा, हाँ बस सी ए ऐसे ही बेटा, यहां पर लिखूंगा ओ ए माइनस यहां लिखूंगा ओ सी, अरे ऐसे ही तो लिखूंगा मेरे भाइयों, देखते हो बेटा ओ ए कितना है, अच्छा ओ ए टू आई माइनस का जे और प्लस का के, यही तो है ठीक, और सी कितना है, सी ए बेटा थ्री आई माइनस का फोर जे और माइनस के फोर के, ठीक है ना, करो क्लियर, यहां इधर ऐसे कर दे बेटा, हाँ एक बार में ही आ जाए तो बढ़िया है, ठीक है ना, शुद्ध करेंगे, शुद्ध क्या हो जाएगा, टू आई माइनस का जे, माइनस का जे प्लस का के, ठीक है यही तो करा, अंदर चिन्ह बदल दो, माइनस के थ्री आई माइनस माइनस, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, प्लस के फोर जे और प्लस के फोर के, चलो जोड़ घटाओ, सी ऐसे ही करेंगे बेटा, कितने ये टू आई है, ये तीन आई है, माइनस के आई बचा, यहां जे एक है, यहां पर चार है तो प्लस के तीन जे बचा, यहां के अच्छा पांच के आ गया, क्या आ गया पांच के, चलो निकालो इसका मोड, क्या निकाल लो मोड, मोड करोगे अंडर रूट माइनस वन का स्क्वायर प्लस के थ्री का स्क्वायर और प्लस के पांच का स्क्वायर, यही तो आया, चलो सी ए ऐसे ही करें, कितना आया बेटा अंडर रूट वन प्लस के नौ प्लस के पच्चीस, कुल मिलाए के सी ए बराबर कितना आया, अरे अंडर रूट पैंतीस आ गया बेटा, हाँ पैंतीस आया, चलो सी ए इसका स्क्वायर, स्क्वायर कर दो दोनों ओर का वर्ग, तो पैंतीस आया ना, अब देखो मेरे भाई क्या हो रहा है, पैंतीस सौ छह इकतालीस अकेले का वर्ग, अकेले का वर्ग एक तरफ और इन दोनों के वर्ग का एक तरफ, तो क्या हम लिख सकते हैं, तब हम लिख सकते हैं बी सी के मोड का स्क्वायर प्लस सी ए, सी ए के मोड का स्क्वायर, अरे ये कितना है बेटा, बी सी कितना है छह और ये कितना है पैंतीस, कुल मिलाया क्या बी सी इसका स्क्वायर प्लस सी ए इसका स्क्वायर बराबर इकतालीस, और इकतालीस क्या है, इकतालीस की जगह क्या लिख सकते हो आप, अरे बेटा ए बी के मोड का स्क्वायर ना लिख सकते हो, या ए बी के मोड का स्क्वायर, अरे बेटा ये क्या है, ये तो पाइथागोरस प्रमेय है, और जब पाइथागोरस प्रमेय है इसका मतलब ये जो शीर्ष है वो किसके हैं, अतः सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है, सिद्ध होता है कि दिए गए, दिए गए शीर्ष क्या बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, बनाते हैं, सही है बेटा, देखते हैं बहुत बेहतरीन सवाल, अगर यही ये कह देता कि सिद्ध करो ये समबाहु त्रिभुज बनाते हैं तो मैं परमाण परमाण निकाल के दिखाता, और तीनों परमाण तीनों सदस्यों की भुजाओं के, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के सदस्यों के परमाण बराबर आते तो कह देते ये समबाहु त्रिभुज है, और अगर कहता सिद्ध कीजिए ये समबाहु त्रिभुज है तो भी तीनों भुजाओं के सदस्यों के परमाण निकालते दो बराबर आ जाते तो कह देते इतने बराबर रहता ना, इसलिए ये कैसा है समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है बेटा, देखो अगले में अगली वीडियो में मैं क्या सिखाऊंगा, मैं अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगा क्या बेटा, मैं सिखाऊंगा आपको मिक्स वाले सवाल और दो सदस्यों का सदिश गुणनफल, जो कि आप पे आना चाहिए गारंटी दे रहा हूं, इधर से बहुत नंबर का आएगा, सही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, आप वीडियो पूरी देखना, जो भी देखो पूरी वीडियो देखो, क्या जरूरी ना है कि स्टार्टिंग में अच्छा ना लगा तो बाद में अच्छे ना होंगे, बेटा ऐसे ऐसे सवाल होते हैं जो कि निश्चित सवाल जैसे के तैसे छप जाते हैं, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।